नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की ओर से शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया है और एल्टीग्रेड सदस्यों के लिए एक बुरी खबर है। तो क्या पत्र लिखा गया है और क्या बुरी खबर है, इस वीडियो में पूरी अपडेट मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं और विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, माननीय अपर शिक्षा निदेशक आज के प्रयागराज उत्तर प्रदेश विषय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा एल्टीग्रेड राजकीय इंटर कॉलेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 में 13 विषय जिन्हें लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने नियुक्ति की संस्तुति करते हुए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भेज दिया है, लेकिन नियुक्ति न होने की दशा में 2 चयनित ने अवसाद और आर्थिक तंगी के कारण समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। उपयुक्त को संज्ञान में लेते हुए शैक्षिक संस्थानों से सत्यापन के दौरान नियुक्ति के संबंध में ये पत्र है। तो महोदय, आप महोदय को सदर सूचे हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित 10768 एलटी ग्रेड राजकीय इंटर कॉलेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 की परीक्षा 29 जुलाई 2018 को सम्पन्न हुई थी। 15 विषयों में से 13 विषयों का रिजल्ट आ चुका है और 57 भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने 13 विषयों की फाइलों की नियुक्ति की संस्तुति करते हुए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्रेषित भी कर दिया है, अशासकीय विश्वविद्यालयों। तो फ्रेंड्स, अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान होने और एलटी में नियुक्ति न शुरू हो पाने के कारण मानसिक रूप से परेशान, सदमे और अवसाद में चले जाने के कारण कंचन गौतम जौनपुर तथा चमन लाल कुशवाहा विषय जीव विज्ञान रैंक 139 आर्थिक तंगी और समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया है। एलटी चयनित अभ्यर्थी 2 साल से लगातार परेशान, मानसिक पीड़ा और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। उनके साथ भी इस प्रकार की घटना कभी भी हो सकती है। इनके जान माल की रक्षा के लिए महोदय द्वारा संज्ञान में लेते हुए शासन को चयनित शिक्षकों की मनोदेश और मनोदशा में अवगत कराए जाने के नितांत आवश्यकता है। 2 साल की से बुरी तरह से मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित एवं परेशान चयनित शिक्षकों की शीघ्र मौलिक नियुक्ति अन्य भर्तियों में प्रचलित परंपरा अनुसार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान होनी चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिए मौलिक नियुक्ति के बाद समस्त प्रमाण पत्रों अंक पत्रों के सत्यापन के बाद ही वेतन निर्गत हो, इसके लिए हम सभी अभ्यर्थी अपने पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। सो गाइस, ये अपडेट और ये लेटर अपर शिक्षा निदेशालय को लिखा गया है और यहाँ पर कैंडिडेट भी आप देख सकते हैं, मुकेश सिंह, विनोद अकेला, रत्नेश शुक्ला, रजनीश, रविंद्र यादव, राधेश्याम, कपिल देव, ठीक है। ये एलटी चयनित शिक्षक हैं और इन्होंने अपर शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एलटी ग्रेड के हर एक अभ्यर्थी के पास ये सूचना पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।